वालेकुम दोस्तों इस्तकबाल है आपका एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में घोटाले में मुलविस उम्मीदवारों पर दर्ज जुर्म के तहत कार्रवाई करने के ज़मन में जो फहरिस्त है जो लिस्ट है बोगस कैंडिडेट की लिस्ट कल शाम साढ़े दस बजे के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर शाये हो चुकी है आप महा इस वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम की लिंक दी है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है यहाँ पर सबसे पहले आप जो देख रहे हैं पहला ग्रीन कलर में ये न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जो कि 15 जुलाई 2018 को हुई थी इसके अंदर जो गैर प्रकार हुआ है उसके ऊपर जो दर्ज एफ़ है जो गुनाह दर्ज हुआ है उसके मुताबिक इस घोटाले में मुलाविस उम्मीदवारों की जो रिज़ल्ट रद्द किया गया है और उनके ऊपर आगे महा टीटी वो नहीं दे सकते इस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई की गई है उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से सिक्सटी टू का ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाती है जिस तरह की 2019 की लिस्ट डाउनलोड हुई थी ये लिस्ट पहले वायरल हो चुकी थी लेकिन तभी ये ऑथेंटिक नहीं थी क्योंकि परीक्षा परिषद की तरफ से आना बाकी थी आज ये परीक्षा परिषद की जानब से वेबसाइट के ऊपर मौजूद है इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कहा गया है कि 2018 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में गैर व्यवहार हुआ है इसके अंदर साइबर पुलिस स्टेशन पुणे ने गुना दाखिल किया है अट्ठावन अब्लिक दो और जो कलम कलम लगाई गई है इनके ऊपर 409, 420, 406, चार सौ बीस चार 120 पैंसठ चार सौ सड़सठ चार सौ अड़सठ चौंतीस एक सौ बीस और इसी के साथ साथ आ, माहिती तंत्रद्ञान कायदा छसठ डी ये सब इनके ऊपर कल में लगाई गई है और इसके मुताबिक इन पर जो है तो गुना दाखिल किया हुआ है यानी कि इसका मतलब होता है कि इस दाखिल गुना के तौर पर जो कैंडिडेट्स थे उनके ओ एम आर शीट की तप चेकिंग की गई पूरी तरह से बहुत बारीक बीनी से और इसके अंदर सोलह सौ तिरसठ एक हज़ार छः सौ तिरसठ उम्मीदवार जो है तो महा टी टी 2018 के इम्तहान में बोगस पकड़े गए हैं या इसका वो कहा गया है कि वो फेल थे अपात्र थे और उनके मार्क बढ़ाकर उन्होंने खुद को या किसी और बोगस सर्टिफिकेट लेकर उन्होंने खुद को पात्र का पास क, आ, किया था इसका मतलब है कि जो और नीचे फिर वही बात जो व्यापम घोटाले की दी गई है जो 2019 के इसमें भी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट का इसमें दाखिला दिया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा गया है कि इस तरह के किसी इम्तिहान में अगर घोटाला होता है और उसमें से जो घोटालेबाज कैंडिडेट उनको अलग किया जा सकता है तो उन्हें पूरा एग्ज़ाम कैंसिल ना करते हुए सिर्फ उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट कैंसिल किया जाए और उनको कोई भी कैंडि नोटिस कारने दाखवाया इस तरह का कोई भी नोटिस ना देते हुए डायरेक्ट उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और इसके मुताबिक जो तो इनके ऊपर कार्रवाई की गई है दो इसमें लिस्ट में ये लिस्ट भी दो फहरिस्त पर मुश्तमल है जिसमें परिशिष्ट ओ है इसके अंदर सात सौ उनासी यानी कि सेवन हंड्रेड सेवन नाइन कैंडिडेट है ऐसे हैं जिन्होंने अपने नंबर में फेर पार किया था वो फेल थे आ, उनका जो अंतिम निकाल जो देखा गया है उनका ओ एम शीट के मुताबिक तो उसके अंदर उन्होंने के बाद में मार्क्स बढ़वा कर जो है तो नया रिज़ल्ट बनवाया है इसलिए इन उम्मीदवारों के ऊपर इनका रिज़ल्ट रद्द किया गया है और यहाँ से आगे ये टी टी इम्तिहान पर इन कायम स्वरूप यानी हमेशा के लिए फ़िलहाल इनके ऊपर पर परमानेंट बंदी लगा दी गई है अभी यहाँ से आगे एग्ज़ाम नहीं दे सकते महा टी टी दूसरी जो लिस्ट है प्रशिस्ट बो इसमें आठ सौ एट हंड्रेड फोर उम्मीदवार है जिनका जो फाइनल रिज़ल्ट था वो फेल का था और इन्होंने परीक्षा परिषद के विहित पद्धति ने इनको जो यानी कि परीक्षा परिषद की जानिब से इनको रिज़ल्ट नहीं इशू किया गया है उन्होंने बोगस बनावट डुप्लीकेट रिज़ल्ट या डुप्लीकेट जो है तो सर्टिफिकेट बनाया है और इस तरह से उन्होंने अपने आप को पात्र बतलाया हुआ है तो इस तरह के उम्मीदवारों के ऊपर भी इनका रिज़ल्ट रद्द किया गया है और आगे ये एग्ज़ाम देने पर इनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी आए कर दी गई है ये देखिए आगे से इस तरह से पूरी लिस्ट आपको ये नज़र आएगी जिसके अंदर कहा गया है कि बेटा इनका सीट नंबर कैंडिडेट का नाम और उनके ऊपर जो गैर प्रकार है कि पहले वाली जो लिस्ट है इसमें गैर प्रकार में सभी के यही है कि उम्मीदवार प्रत्येक अपात्र गुण मध्य फेरफार कर पात्र जाहिर कर प्रमाणपत्र पत्र और इनके ऊपर जो निश्चित करने आने की शास्त्री यानी इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा दो हज़ार अठारह मधी संपादन रद्द करून यापु घेना शिक्षक पात्रता परीक्षे साथी कायमस्वरूपी प्रतिबंध यहाँ से इनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी इस तरह से लास्ट पेज यहाँ पर आएगा तो ये सेवन सेवन नाइन टोटल पहले कैंडिडेट में है दूसरी जो लिस्ट है प्रशिष्ट वो इसी के इसके अंदर भी सेम है और इसमें गैर प्रकार में कहा गया है कि उम्मीदवार अपात्र स्थान बनावट प्रमाण पत्र की कि गुण पत्र वितरित यानी कि ये फेल है इन्होंने वहाँ मार्क्स तो नहीं बढ़ाया लेकिन डायरेक्ट इनको इन अपना जो है तो रिजल्ट डुप्लीकेट निकाला है सेम इस इनके ऊपर भी उसी तरह की जो है तो कार्रवाई की गई है ये लिस्ट टोटल लास्ट पेज जो सेवेंटी फोर वाला आ रहा है वहाँ तक आती है और एट हंड्रेड एट्टी फोर आठ सौ चौरासी इसमें कैंडिडेट्स मौजूद है यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस घोटाले में जो सोलह उम्मीदवार है परसिस्ट ओ फहरिस्त ए में सात और फहरिस्त बे में आठ है इन में उर्दू मीडियम के कैंडिडेट जो नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं टोटल 288 यानी सोलह में से 288 288 उर्दू मीडियम कैंडिडेट इस बोगस जिसमें शामिल है यानी कि इनका परसेंटेज होता है 17, सत्रह परसेंट उर्दू मीडियम के कैंडिडेट इसमें शामिल है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि तकरीबन नौ से दस हज़ार के करीब लोगों ने रजिस्टर्ड किया था उर्दू मीडियम के 2018 के टीटी -टी में आ, उसमें से दो पास हुए थे उसमें से सॉरी दो पास हुए थे और उसके बाद ये 228 बोगस बन गए बाद में सर्टिफिकेट इनके तो ये पूरी डिटेल्स है आ, अगर मैं आपको ये बतला दूँ कि टोटल सभी मीडियम्स का मिला के फर्स्ट पेपर जो देने वाले थे पंद्रह जुलाई दो हज़ार के जो फर्स्ट पेपर हुआ था इसमें पचानवे हज़ार आठ सौ अठहत्तर तलबा ने पहला पेपर दिया था और दूसरा पेपर सतहत्तर हज़ार छः सौ बासठ कैंडिडेट ने दिया था और इसमें पास जो हुए थे जो रिज़ल्ट आने के बाद पहला पेपर में चार हज़ार तीस सेकेंड पेपर में पाँच हज़ार चार सौ पाँच हज़ार छः सौ सैंतालीस के बच्चे पास हुए थे यानी कि टोटल नौ हज़ार छः सौ सतहत्तर कैंडिडेट पास हुए थे इन नौ हज़ार छः सौ सतहत्तर में से एक हज़ार छः सौ तिरसठ बोग हैं और उस टाइम रिजल्ट छः पॉइंट वन एट परसेंट लगा था तो आप इस तरह से तकरीबन हमने अच्छे खासी आपको पूरी रिसर्च करके साथ रिसर्च के साथ मालूम फरहम की हैं उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी इसके ऊपर और भी डिटेल्स मालूम आपके जो भी सवालत है और जो भी मालूम आप जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया